हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो। और आज हम जाने वाले हैं स्वरूप नगर में, आर्य नगर के पास, सॉरी, मक्खन सिंह की बिरयानी खाने। तो फटाफट वहाँ चलते और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं कि कैसी है बिरयानी वहाँ की। गाइस, ये है मटन, क्या मटन राइस, मटन राइस है ये। खा के टेस्ट बताओ कैसा। चिकन अंडे के चावल और चिकन का चावल बढ़िया टेस्ट है। मैं भी खाता हूँ। आओ, मुझे चटनी से मत, ऐसे ही ऑर्डर है। तुम वहाँ खाए हो ना यार, तुम वहाँ खा चुके हो ना चमन में, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। सही कह रहा। वेजिटेज है यहाँ का फेमस मटन कह रहे बिरयानी जो, तो आई विल गिव यू द ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे सही नहीं होगा। तो भैया और क्या क्या आइटम मिलते हैं आपको? राइस है बहुत तरीके से, चिकन भी है, तो फ्राइड लेग है। तो मोस्टली चिकन ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पर कि मटन ज़्यादा बिकते हैं? हमारे मटन का ही खाना, मटन का खाना। और ये एड्रेस भैया बता दो क्या आप यहाँ का? आर्य नगर, मतलब आर्य नगर में कहाँ पर? आर्यनगर चौराहा के पास है ये मक्खन सिंह, काफ़ी फेमस जगह है कानपुर की। तो अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो ऑफ मक्खन सिंह कानपुर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। अब मुझे पता चला कि ये शॉप इतनी ज़्यादा क्यों चली है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो सामने शराब के ठेके हैं, तो शराब के साथ साथ नॉनवेज ज़्यादा चलता है, हो सकता है इस चक्कर में लोग ज़्यादा आते होंगे। तो अभी तो कम भीड़ है, 120 तो मेरे को चलो कि लगा कि हाँ चलो वर्थ है यार, ना दो पीस थे ना कुछ था। एक पीस को कितनी पीसों में काट दिया। हाँ भाई, तो गाइस अब हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं, 220 रुपए के हिसाब से भाई बहुत ओवर प्राइस था। बहुत जगह मैंने खाया है इतना, तो दिल्ली में भी रेट नहीं है यार, मतलब 220। और टेस्ट मतलब चावल फ्राई करके दे दिए हैं और उसमें मटन के थोड़े से पीसेस डाल दिए हैं। तो भाई अगर आपको नॉनवेज खाना है तो कानपुर में बहुत सारी जगह है यार। इतना नाम सुन के आए तो मेरे को लगा भाई गजब की बिरयानी होगी, मक्खन सिंह नाम है ये वो, और भाई एकदम मतलब बहुत डिसअपॉइंट हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ मैं टेस्ट से। और मतलब कि नाम, शॉप का नाम भी नहीं लिखा, मुझे तो अभी भी ये भी कन्फ्यूजन है कि वो ऑथेंटिक थी शॉप की नहीं थी। सो गाइस ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं सबके टेस्ट बड अलग होते हैं, तो आप बताइए आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का अगर आप कानपुर के हैं। सो ये मेरा ओपिनियन था, आप अपना भी शेयर करिए।